अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मुफ्ती साहब और ग्लोब के बीच में पाकिस्तान का नक्शा और उसके ऊपर मैग्नेट क्यों रखा गया है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूँ कि मैग्नेट का काम होता है चीज़ों को अपनी तरफ खींचना। इसी तरह एक दाई का काम होता है इंसानों को दीन की तरफ बुलाना। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को बहुत प्यार और मोहब्बत से अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया, इसी तरह आज के दौर में ये मुफ्ती साहब हर उम्र और इलाके के लोगों को अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं और इस तरह दीन की मोहब्बत लोगों के दिलों में जगा रहे हैं। लोग इनकी ज़ुबान मुबारक से अल्लाह का नाम सुनने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। मुफ्ती साहब कराची में होते हैं जो पाकिस्तान का साउथ है, इसलिए मैंने उनको ईमानी साउथ पोल से तशबीह दी है। पाकिस्तान के जनूबी इलाकों के लोग इनके बयानात सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं और अपना ईमान ताज़ा करते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि मुफ्ती साहब बाहर के ममालिक में भी दीन की दावत देने जाते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब जामिया मस्जिद अलफलाहिया नॉर्थ कराची के इमाम और खतीब हैं। ये जामिया तुर रशीद के पढ़े हुए हैं, वहीं पे उस्ताद भी है। इनके बकायदा असातिज़ा में मुफ्ती अब्दुर रहीम साहब सरे फहरिस्त है, जबकि इल्मी फायदा इनको मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से और मौलाना तारिक जमील साहब से भी हुआ है। JTR मीडिया हाउस पे भी बहुत रेगुलरली आते हैं। वैसे तो इनके बयानात हर टॉपिक पे ही बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, जिसकी वजह इनका दबंग अंदाज है। लेकिन इनकी असल वजह शोहरत एथियज्म के मौजू पर बयानात है, जिनमें बड़ी फसाहत बलागत के साथ अल्लाह के वजूद के दलाइल दिए गए हैं। आए उनके एक बयान का मुख्तसर हिस्सा सुने। एक जमीर की आवाज होती है, एक शैतान की आवाज होती है। जमीर की आवाज पर लब्बैक कहना चाहिए, उसको मानना चाहिए। और एक नेगेटिव सोच होती है, वो किसकी तरफ से होती है? शैतान की तरफ से। आपको शैतान नजर नहीं आता, वो नेगेटिव सोच तो नजर आती है ना आपको कि कोई मेरे अंदर मुस्बत भी चीजें हैं और मनफी भी हैं। तो जो दहरीय लोग हैं वो मनफी पहलू को तरजीह देते हैं और अपने जमीर की आवाज को कुचल देते हैं, हालांकि उनका जमीर भी कह रहा होता है कि इस कदर इन खिदमत करने वाला को, ये जो कायनात हमारे काम में लगी हुई है और ये सब कुछ हो रहा है, यकीनन कोई है जो ये सब कुछ कर रहा है। बिल्ली के बच्चों ने मिट्टी अभी तक देखी नहीं है, फर्श पे कर दिया ना उन्होंने सहन में, अब तलाश कर रहा है मिट्टी वो इधर उधर, वैसे ही जो है ना वो फर्श पे पांव मार रहा है छोटा सा बच्चा। ये क्या खुद से सीखा है उसने? उसे जहां जहां बदबू आ रही है वो कह रहा है इसको छुपाओ। और बिल्ली उस वक्त तक अपनी गंदगी पर मिट्टी फेंकती रहती है जब तक बदबू आना खत्म नहीं होती। इस कायनात के सिस्टम को सही नहज पे चलाने के लिए अल्लाह ने जानवरों को भी ये आदाब सिखा दिए, क्योंकि अगर आप किसी बनाने वाले को हमेशा से नहीं मानते तो इस कायनात को हमेशा से मानना पड़ेगा। तो ये अजीब बात है कि अल्लाह का खुद से होना तो समझ में नहीं आ रहा, इस कायनात का खुद से होना समझ में आ रहा है। अल्लाह कहेगा कि जब साइंस की बनाई हुई चीजों की वजह से तुम्हें साइंस से मोहब्बत थी, तो साइंसदान को जिसने बनाया उस रब से तुम्हें मोहब्बत क्यों नहीं थी? वो क्यों समझ में नहीं आ रहा था? उसने इस कायनात को बनाया क्यों? इस पर गौर करना पड़ेगा आपको। इस पर तो बहुत गौर होता है कि बनी कैसे, क्यों बनी, इस पर नहीं होता। एक बाइक आपके सामने खड़ी हुई है, बनी कैसे, इस पर तो गौर कर रहे हो। बनाने वाले ने क्यों बनाई है भाई? सवारी के लिए बनाई है ना, इस पे कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा, तो बेवकूफ होगा कि नहीं होगा भाई? इस पे तो हर आदमी गौर करता है, ये क्यों कैसे बना। साइंसदान भी गौर करते हैं, सब गौर करते हैं, इस पे नहीं गौर किया जाता कि इसको बनाया क्यों है। तो अल्लाह ने बताया, अल्लाह ने जवाब दिया, इसलिए बनाया कि इंसान के लिए, खिदमत के लिए। अगर आपको अल्लाह का जवाब पसंद नहीं है कि दूसरा जवाब बताएं, फिर हम उस पर गौर कर लेंगे। दूसरा जवाब किसी के पास है ही नहीं। मुफ्ती साहब की कुछ वीडियोस मैं एंड स्क्रीन पे लगा रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में उनकी यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक पेज का लिंक भी दे रहा हूँ। इनको सब्सक्राइब करें और जब भी बयान सुने तो मुझे भी दुआओं में जरूर याद रखें। खुदा हाफिज़।